स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का रसायन विज्ञान का परमाणु संरचना का पाठ शुरू करते हैं 4। ठीक है, इसमें पहले करेंगे समस्थानिक। क्या होता है समस्थानिक? किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी, ऐसे परमाणु क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैंने बोला 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो सभी में 1, 1, 1 परमाणु संख्या सभी की समान है कि नहीं? परमाणु संख्या कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान है कि नहीं है? लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे होती है? भिन्न होती है। यहाँ तो द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3। तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, वो एकदम समस्थानिक। अब यह बात करते हैं संभारित। समस्थानिक इम्पोर्टेंट था, संभारित भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, संभारित क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। संभारित में क्या है? द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, संभारित कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां परमाणु संख्या समान थी या परमाणु संख्या अलग है, या द्रव्यमान संख्या अलग थी या द्रव्यमान संख्या समान है, जस्ट इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल ले लिया है 6C14 and 7N14। मतलब 6 कार्बन 14 है, ये 7 नाइट्रोजन 14 है। अब देखो परमाणु संख्या क्या है इसकी? अलग अलग है कि नहीं? परमाणु संख्या नीचे होती है, इसकी 6 है, इसकी 7 है। परमाणु संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? समान। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। इसकी भी कितनी है? 14। तो द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो संभारित। यदि परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो समस्थानिक है। ठीक, अब यहाँ आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके नाम से पता पड़ रहा है समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक जिन परमाणुओं अथवा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होगी? समान होगी, क्या कहलाते हैं? वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे Na प्लस, अब Na का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। इसमें एक प्लस हो गया, माइनस वन कर दिया, कितना गया इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। F का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 9। माइनस हो गया प्लस वन, कितना हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। O का कितना होगा? 8। कितने माइनस है इसमें? 2। तो क्या करके 2 प्लस करेंगे इसमें? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। नियॉन का कितना होता है? 10। देखो सब में इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 10 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे हमारे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारे यहाँ कहते सम न्यूट्रॉनिक। क्या होते हैं सम न्यूट्रॉनिक? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आई बात समझ नहीं? सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम प्रोटॉनिक आएगा कभी उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिसमें आपके पास 1s3, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 1s3 में 3 - 1 कितना आ गया न्यूट्रॉन? इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। 2he4, इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू कितना है? 2। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, ये जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से परमाणु संख्या को बटा दो, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को बटा देंगे तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितनी? 2। यहाँ पर कितनी? 2। दोनों न्यूट्रॉन में से समान, तो ये कैसे हुए? सम न्यूट्रॉनिक।